भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है यूपी के मिर्जापुर में बना माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। विंध्याचल धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ निकट ही कालीखो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की कुल देवी हैं। कहा जाता है जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्ति होती है। माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ विराजमान हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। माँ विंध्यवासिनी देवी के धाम में यह क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। माँ विंध्यवासिनी देवी के धाम में पूरे वर्ष भक्तों का आना जाना लगा रहता है। भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। नवरात्र के मौके पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। माँ विंध्यवासिनी देवी अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।